भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में वनडे सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच खेला जाएगा। सीरीज में पहले से ही 4-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया इस मैच को जीतते हुए सूपड़ा साफ करना चाहेगी। वहीं श्रीलंका की टीम हर हालत में इस मैच को जीतना चाहेगी ताकि ICC वर्ल्ड कप 2019 में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की कुछ उम्मीदें बरकरार रहें। अगर श्रीलंका पांचवा वनडे जीत जाती है तो चाहेंगे तब भी वेस्टइंडीज अपने आगामी 6 में से कोई भी मैच ना जीते, तभी उन्हें वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट एंट्री मिल पाएगी, वरना साल 2018 में उन्हें क्वालिफायर खेलना होगा। भारतीय टीम इस मैच में भी प्रयोग करना चाहेगी और एक बार फिर केदार जाधव को टीम में शामिल किया जा सकता है। KL राहुल मिडिल ऑर्डर में जम नहीं पा रहे हैं, इसलिए केदार की वापसी हो सकती है। वहीं बाकी टीम पिछले मुकाबले की ही रह सकती है। श्रीलंका सीरीज में 4-0 से पिछड़ चुकी है, ऐसे में उनके खिलाड़ियों का मनोबल पूरी तरह से चरमरा गया है। वैसे इस मैच में उनके साथ नियमित कप्तान उपुल थरंगा की वापसी हो रही है, जो 2 वनडे मैचों का बैन झेलने के बाद आ रहे हैं। ऐसे में उनके बल्लेबाजी क्रम को थोड़ी मजबूती जरूर मिलेगी, जो चोट के थपेड़ों से परेशान हो चुकी है। ऐसे में श्रीलंकाई टीम की अगुवाई इस मैच में लासित मलिंगा के बजाय उपुल थरंगा करेंगे। श्रीलंका की टीम में थरंगा के अलावा बदलाव की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि अधिकांश खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। तो देखना होगा कि टीम इंडिया लंका का सूपड़ा साफ करती है या फिर श्रीलंका अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहती है। प्रेम मीडिया रिपोर्ट।